नीमच शहर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज एक दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता जुल्फिकार अहमद खान की स्मृति में आयोजित की गई। अध्यक्ष जितेंद्र गोयल व सचिव इम्तियाज खान ने बताया कि 25 दिसंबर रविवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फीटर सेंटर हॉकी मैदान स्विमिंग पूल के सामने प्रातः 10 से शाम 4 बजे तक आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में मंदसौर की अंडर 14 वर्ष बालक बालिकाओं एवं अंडर 18 वर्ष बालक बालिकाओं की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम खिलाड़ी को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। मैच देखने के लिए दर्शकों की भीड़ भी मैदान तक पहुंची और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। ये जेडे खान स्मृति द्वितीय टूर्नामेंट है, सीनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता इंदौर में चल रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी लगभग जिले भाग ले रहे हैं। इसलिए हमने इस टूर्नामेंट में अंडर 12 से लेकर अंडर 18 तक ये प्रतियोगिता जेडे खान स्मृति के उपलक्ष्य में यहाँ पर नीमच वर्सेस मंदसौर के बीच आयोजित की। इसमें नीमच की और मंदसौर की टीमें बालक बालिकाओं की भाग ले रही हैं। अंडर 12, अंडर 14 और अंडर 18 की टीमें हैं। ये एक दिवसीय प्रतियोगिता है, सभी बच्चे सुबह से ही आ गए थे तो हमारा चौथा मैच चल रहा है, 3 मैच हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये एक एक प्रैक्टिस मैच भी रहते हैं, ये नीमच मंदसौर आपस में मैचेस खेलती रहती है। हमारे पास चल्ट ग्राउंड है, मंदसौर के पास टर्फ ग्राउंड है, तो ये हर 15-20 दिन में हमारे कोचेज बाबूराम सर, शानू सर, प्रियंका, परवेज, ये सब मंदसौर भी जाके इनको बच्चों को प्रैक्टिस कराते रहते हैं, क्योंकि फीडर सेंटर भी डला हुआ है, खेलो इंडिया भी डला हुआ है, तो ये सब बच्चे रेगुलर महीने में एक बार वो आते हैं, एक बार हम जाते हैं, और इससे बच्चों को टर्फ पे भी खेलने को मिलता है और चट मैदान पे भी खेलने को मिलता है। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राजशिंदे की रिपोर्ट।